नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अमरनाथ चौधरी जी। कहाँ के निवासी? सहरसा, बिहार, जिला सहरसा। पटना से कितना दूर है? 250। जब आए थे तो आपको काफी समस्याएं थी, काफी सारी प्रॉब्लम हो रही थी उस समय, क्या क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत हो रही थी कि डायलिसिस चल रहा था, क्रिएटिनिन माने 9.8 पर था। अच्छा, डायलिसिस पहले रांची में कराए थे, उसके बाद चले आए क्या कहते हैं वहाँ नहीं, जब हुआ तो आरएमएल में ट्रीटमेंट कराया, तो वहाँ 5.1 पर हमको छोड़ा गया। डायलिसिस रुक चुका था, डायलिसिस उस पर 9 भी था आपका, उसके बाद धीरे उसके बाद आपके संबंध में हमको जानकारी हुई कर्मा आयुर्वेद का, तो उसमें जो है सो हम आपसे भेंट किए, मुलाकात किए, उस दिन से आपकी दवाई चल रही है। तो भेंट करने से लाभ हुआ नहीं हुआ? लाभ तो अभी क्रिएटिनिन तो हमको 3.3 पड़ा है। डायलिसिस की आवश्यकता? डायलिसिस अभी तक डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में पैर में सूजन वो जो ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा, क्योंकि इतनी गंभीर बीमारी है, धीरे धीरे ही सारे सिम्टम्स आएंगे, लेकिन डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्रिएटिनिन भी रेगुलर डिक्रीज हुआ है, फिजिकल लेवल पर भी काफी दिक्कत थी, 4.2 पे भी आया है। अभी भी दिक्कत है, थोड़ा चलते हैं तो चलने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम, पहले से लेकिन काफी रिलीफ है, पहले और पहले से पहले और अब में काफी फर्क है, वीकनेस बुझाता है। अमरनाथ चौधरी जी हैं, ये बेसिकली सहरसा बिहार निवासी हैं। डायलिसिस सप्ताह में 2 बार करा रहे हैं? सप्ताह में 2 बार नहीं, सप्ताह में रेगुलर नहीं था। शुरू में 5 डायलिसिस हुआ था, सप्ताह में 2 बार का, सप्ताह में 2 बार की फ्रीक्वेंसी डायलिसिस भी थी और क्रिएटिनिन 9 के आसपास था। मेडिसिन चली हैं और ग्रेजुअली 9 से क्रिएटिनिन कम हुआ है, ना केवल क्रिएटिनिन कम हुआ है बल्कि डायलिसिस की भी आवश्यकता इनको नहीं पड़ी है, डायलिसिस भी रिक्वायरमेंट नहीं है। 9 क्रिएटिनिन था जब डायलिसिस चल रहा था, अभी 5.9 हुआ, ये जुलाई 2018 में रिड्यूस हुआ, 9 से 7 हुआ, 7 से 4 हुआ और डायलिसिस अब बंद हो चुका था, इनका डायलिसिस इस समय नहीं चल रहा था, और फिर 3.3 हुआ और अब एक लेटेस्ट करा के लाए हैं 29 से 2018 को, क्रिएटिनिन 3.3 हुआ है लेटेस्ट रिपोर्ट में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डायलिसिस की रिक्वायरमेंट इनको नहीं पड़ी है, 9 से क्रिएटिनिन कम हुआ वह एक तरफ, अब अगर क्रिएटिनिन कम हो रहा है तो डायलिसिस से होता है, लेकिन डायलिसिस भी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी, यानी डबल बेनिफिट हुआ है, बगैर डायलिसिस के क्रिएटिनिन 9 से 3 पर आया है और अच्छे से उन्होंने सब चीजें फॉलो करी जिस प्रकार से बताया गया था। और आज ये सहरसा बिहार काफी दूर से आए हुए हैं, कब से बैठे हैं ट्रेन में? कल सवेरे 6 बजे से, मतलब लगभग आपको कितना 48 घंटा हो गया, 28 आवर्स की जर्नी हो गई, बहुत लंबी जर्नी करके आए हैं, इसी से हम मिलना चाहते थे। बहुत अच्छा इनको रिजल्ट आए हैं और चेंजेस भी नजर आए हैं, और बहुत काफी दूर से आए हैं, और ये कह सकते हैं कि पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट आ रही है और आगे भी आती चली जा रही है अगर वो अच्छे से सब चीजें लग के फॉलो करते हैं, जैसे कि अमरनाथ चौधरी जी ने करा है। डायलिसिस से गंभीर समस्या, डायलिसिस जैसी बीमारी से इनको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी और सीकेडी बीमारी को इन्होंने मात दी है।